अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसकी कोचिंग फ्री में शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास का पार्ट टू। इसमें हम करेंगे टॉप 200 एमसीक्यूज। तो पार्ट वन में हमने किए थे टॉप 200 क्वेश्चन, में से हमने 100 क्वेश्चन कल कर लिए थे। आज हम करेंगे बाकी के 100 क्वेश्चन। ये सीटेट 2019 के लिए रामबाण की तरह है, इसमें से आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार स्टडी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल हमने हिस्ट्री का एक टॉपिक किया था, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वन, ठीक है, जो कि हमारे जो रविवार को एग्ज़ाम है सी टेट का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनका SST का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास इसकी बेस्ट PDF है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप इन सभी को अच्छे से देखिए, पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरलशिप इंडियन सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी ऊपर आया था और आज फिर आ गया। ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिकेम जनरल गवर्नर इन, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो जनरल गवर्नर जनरल कब बने, तो वो था 1828 में, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड बाय, ये रेगुलेटिंग एक्ट किसने पास किया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, ठीक है। आ गया मॉन्टेसचेम फोर्ड रिफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर, ये डायरेची सिस्टम से रिलेटेड था मॉन्टेसचेम फोर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन कई तरह घुमा कर आ सकता है, ठीक है। डायरेची सिस्टम किससे रिलेटेड था, जहाँ ये डायरेची सिस्टम लेके कौन आया था, तो भी लॉर्ड चेम फोर्ड लेके आया था, ठीक है। आ गया वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश, ये सैन फ्रांसिस्को में, और गदर पार्टी का कल भी क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था USA, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको USA दिखे, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को जो सिटी है वो कहाँ पर है, वो है अमेरिका में। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो ये कब ख़त्म कर दी गई, तो ये की लॉर्ड मायो ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हु रोट द आर्टिकल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है। ये किसने लिखा, ये था अरविंदा घोष ने। आगे है, हु वाज द फर्स्ट जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया, ये हमारे CR गोपालाचार्य, और इन्हें हम चक्रवर्ती गौर राज्य गोपालाचार्य भी कहते हैं, ठीक है। आगे है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज, ये लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद द पायनियर, पायनियर का मतलब होता है सबसे आरंभिक, कम्युनिज्म इंडिया वाज, ठीक है। तो ये कौन थे, MN रॉय। आगे है, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, ये चितरंजन दास, ठीक है। और चितरंजन दास कहाँ से बिलोंग करते थे, जी वेस्ट बंगाल से। हु वाज द जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ सिपोई म्यूटनी, ठीक है। तो जब ये सिपोई म्यूटनी हुई थी, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये म्यूटनी कब हुई थी, ये हुई थी 1857 में। आ गया, द इंग्लिश लैंग्वेज वाज अडॉप्टेड एज मीडियम इन इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द गवर्नर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1835, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लेके आने का भी जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप हील्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1855, ठीक है। तो इसका था इंडिगो रिबिलियन। नेक्स्ट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1875, जो अभी आप एक अंग्रेजी का न्यूज़पेपर देखते होंगे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो सबसे पहले कब आया था, 1875 में, ठीक है। वेयर डिड भिल रिवोल्ट टेक प्लेस, ठीक है। जो जो भिल का विद्रोह हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये था चुटोंगा नाग, छोटा नागपुर है, ठीक है। आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्डेंट एडवोकेट ऑफ प्रीपेड रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, भारत में रेल
को लेके आने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, वो लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, इन्हीं के ही शासनकाल में भारत में रेल का काफ़ी विकास हुआ था। ठीक है, अगेन द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट, ये थे लॉर्न कॉर्नवालिस। ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है ये मैंने अपने यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाई हुई है इनके ऊपर, ये आप सारा उसमें से जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिमीदारों और किसानों के बीच में एक सेटलमेंट होता था, जैसे कि वो तीन सिक्किया का। ठीक है, उनमें से जो किसानों को पहले जिमीदार को लगान देना पड़ता था, फिर जिमीदार अंग्रेजों को देते थे, तो उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेटलमेंट किया था। उस चीज़ में बहुत सारा भेदभाव था। ठीक है, आगे है द कस्टम ऑफ सती वॉज बैंड थ्रू लीगलेशन इन ईयर, यानी कि सती को कब, सती प्रथा को कब खत्म कर दिया गया था, 1829 में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वायसरी वॉज एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, तो ये थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे है हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्म सभा, थे ये थे ताराचंद चक्रवर्ती। ठीक है, इसके बाद है हु पायनियर द 19th century नाइन्स इन इंडिया, यानी कि भारत में 19वीं सदी को अच्छे से रिनाइंस होता है कि उसका उजागर करना। ठीक है, तो वो थे राजा राममोहन राय। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया। आगे हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, दे थे मिसिस एनी बेसेंट। ठीक है, ये कांग्रेस से रिलेटेड थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी ये। हु इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ये थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, फर्स्ट वाइसरी ऑफ इंडिया क्या था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे क्वीन विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। ठीक है, आगे द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेल्सले। नेक्स्ट है विच एक्ट अलाउड द क्रिश्चियन मिनिस्ट्री टू एंटर इंडिया। ठीक है, ऐसा कौन सा एक्ट था सी जिससे ईसाई वाले जो लोग थे वो भारत में आए, वो थे चार्टर एक्ट 1813। आ गया मोरले मिंटो रिफॉर्म वाज डिक्लेयर्ड इन ईयर, यानी कि मोरले मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1909 में। ठीक है, आ गया हु वाज द वाइसरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जब गांधी जी ने जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी उस समय वाइसरी कौन था, ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का जैसे ही नाम कहीं भी आए तो आपके दिमाग में एक और चीज़ भी आनी चाहिए कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसे हम बंग भंग के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो आगे हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, वो थे दादा भाई नरोजी। ठीक है, दादा भाई नरोजी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, तो वो भी दादा भाई नरोजी थे, और दादा भाई नरोजी के टाइम में ही इंडिया में सबसे पहले जनसंख्या हुई थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आ गया इन विच रिलीजन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एट अर्लीस्ट, सबसे पहले जो स्वतंत्रता की मूवमेंट थी वो कहाँ शुरू हुई थी, वो बंगाल में। ठीक है, आ गया विच वन हेल्प्ड टुवर्ड लॉन्च ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1817, ऐसा वो क्या था जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया, तो वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। ये मैंने अब कल भी बताया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी क्या होता था, कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो वो अंग्रेज उसका सारा शासन अपने में राज्य में मिला लेते थे, उसे डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी कहते थे। ठीक है, आ गया विच हैड हाइस्ट इफेक्ट टूवर्ड फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये था एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। आगे राजा राम मोहन रॉय रोट अ बुक ऑन मोंटोथीजियम इन, तो उन्होंने एक जो बुक लिखी थी मोंटोथीजियम, वो किस में लिखी थी, पर्शियन में। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वॉज नॉट सेटअप इन कैलकटा कोलकाता, ठीक है, ये INC। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कलकत्ता में सेटअप नहीं किया था, ये बॉम्बे में सेटअप हुई थी। ठीक है, इन अ डे ऑफ विच मंथ 1857 AD मंगल पांडे रिवोल्ट एट
ब्राकपोर, ठीक है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1857 क्रांति में जो सबसे पहले क्रांतिकारी थे वो थे मंगल पांडे। तो उन्होंने किस महीने में ये विद्रोह स्टार्ट किया था? उन्होंने किया था मार्च में। अच्छा, मंगल पांडे ने ये विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम ना अंग्रेजों ने इंग्लैंड से कुछ बंदूकें लेके आए थे, उनमें जो कारतूस भरा जाता था ना वो कुछ गाय की चर्बी से बना होता था, ठीक है। तो मंगल पांडे ने उसको, मंगल पांडे उनकी अंग्रेज की आर्मी में था, तो उसने इसको यूज़ करने से, चलाने से डिनाई कर दिया। तो उस केस में फिर उसको फांसी दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिपाही, नाना साहेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा ऑफ। तो जो नाना साहेब थे, इन्होंने अपने आप को पेशवा कहाँ का घोषित कर दिया? कानपुर का, ठीक है। हु ऑथर्ड वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये जो बुक है वार ऑफ इंडिया, भारत की आजादी की, जो 1857, उसके ऑथर थे वीडी सावरकर, ठीक है। आगे, परमानेंट सेटलमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट्स। देखा, ये क्वेश्चन देखो फिर आ गया। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, कि वो 300 रुपया लगान वाला, ठीक है, उसी को टेनेंट्स बोलते हैं। आ गया, द शुद्धि प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, अ पार्टीशन ऑफ बंगाल डिवीजन बंगाल कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश वायसरे इन इंडिया, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि 1905 में क्या हुआ था, कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दो भागों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, एक पश्चिम बंगाल और एक उत्तरी बंगाल, ठीक है। तो जैसे ही ये बंगाल का विभाजन हुआ, तो कई सारे भारतीयों ने स्वदेशी मूवमेंट चला दी। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, कि जितने भी अंग्रेजों का सामान था उस सारे का बहिष्कार कर दिया, उनके कपड़े, उनके नौकरियां, उनका जो भी फैसिलिटीज वगैरह थी वो सारी की सारी उन्होंने बहिष्कार कर दी, ठीक है। तो इसके बाद है, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन। अब देखो फिर वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, कि सब जैसे वो बंगाल का उन्होंने डिक्लेयर किया तो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चला दी, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये थे वारन हेस्टिंग। ये 1775 में आए थे, ठीक है, जो फर्स्ट वायसराय थे। आ गया, हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। यानी कि रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी से जैसे ये 1896 में इन्होंने ये फाउंड किया ना, तो 1893 में एक और घटना हुई थी स्वामी विवेकानंद जी से लेकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मैंने कल भी बताया था कि यूएसए में एक जो मीटिंग हुई थी उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को लीड किया था। आ गया, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल गेट एक्ट कैंसल्ड। जो बंगाल की पार्टीशन थी, जिसका भारतीयों ने काफ़ी सारा विद्रोह किया, ये दिसंबर 1911 में इंग्लैंड की गवर्नमेंट को कैंसिल करनी पड़ी थी, ठीक है। आगे है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, तो ये जो फर्स्ट राउंड टेबल हेल्ड थी ये कब हुई थी? ये हुई थी नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। और राउंड टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये ना 3 राउंड टेबल्स हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड में। तो तीनों के तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि तीनों की तीनों राउंड टेबल्स किसने अटेंड की थी? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। आगे, गांधी इरवन पैक्ट वाज साइंड इन दिल्ली ऑन 14 फरवरी 1931, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल, ठीक है। अब जो दूसरी राउंड टेबल हुई थी उस समय ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो थे रैमसे मैकलॉड, ठीक है। आगे, कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट व टेकन आउट इन, ठीक है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 1932 में, और ये किस किन के बीच में हुआ था? ये महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। आ गया, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन सितंबर 1932 वाज सेट अप बाय, ठीक है। जो भारत में अछूतता की जो लीग थी उसको किसने चलाया था 1932 में? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब हुआ था? 39 से लेकर 1945, 6 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास इन। अब पाकिस्तान बन जाए, ये रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? ये 1940 में लाहौर में हुआ था, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, ये था 1940 को, ठीक है। इसके बाद है,
हु आर द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो ये था विनोबा भावे एंड जेएल नेहरू। नेक्स्ट है स्टैफोर्ड क्रिप्स अंडर द फेमस क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन ईयर, ठीक है। अब 1942 को क्या हुआ, 1942 को गांधी जी ने एक नारा लगाया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम जानते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए अंग्रेजों ने एक पर्सन भेजा, वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक मिशन लेके आया था जिसको हम जानते हैं कि क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन में ये था कि स्टैफोर्ड ने भारतीयों से आग्रह किया कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए तो हम आपको आज़ादी दे देंगे, ठीक है। तो इसके साथ लेकिन भारतीयों ने इस मिशन को मानने से मना कर दिया, क्योंकि यही सेम बात जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भी ये अंग्रेजों ने भारत के साथ ऐसा वादा किया था, तो इन्होंने इस को डिनाई कर दिया था, ठीक है। आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन ईयर अगस्त 1942, पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ईयर 23 मार्च 1943, ठीक है। आ गया वेवल प्लान केम इन जून इन ईयर, यानी कि वेवल प्लान कब आया, 1945 में, ठीक है। आ गया द फर्स्ट राउंड टेबल हेल्ड बिटवीन, ये था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। आ गया इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय नेहरू वाज स्वॉर्न इन ऑन, जो नेहरू जी ने इंटरिम गवर्नमेंट की वो शपथ ली, वो ली थी 2 सितंबर 1946 को। आ गया द कॉमनवेल्थ अवार्ड वाज अनाउंस बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकलोड ऑन, यानी कि कम्युनल अवार्ड का कब उन्होंने घोषित किए, जिसे 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। आगे फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक प्लेस इन 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि किस ब्रिटिश में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया था, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आ गया अनुसुईया साराभाई एसोसिएटेड महात्मा गांधी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीटेशन, ये थे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। ये जो अनुसुईया साराभाई थी इसने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, किसमें, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। और जब महात्मा गांधी ने 3 स्ट्राइक्स की थी उनमें ये सबसे पहली थी, उनकी तीनों की तीनों स्ट्राइक्स सफल भी रही थी, ठीक है। आगे है सत्याग्रह सभा वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो ये था रॉलेट एक्ट 1919 को, ठीक है। आ गया 13 अप्रैल को कि कहाँ हिस्टोरिकल प्लेस में जो घटना हुई थी वो था जहाँ पे मास्केर हुआ था, वो था जलियांवाला बाग में, और ये अमृतसर में है। आ गया ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, ये था लंदन, और मैंने इसके साथ ही आपको बताया था कि ये तीनों राउंड टेबल किसने अटेंड भी की थी, वो कौन सा भारतीय था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे द पीपल वर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ ह्यूम अमंग द फॉलोइंग लीडर, यानी कि जलियांवाले बाग में जो सभा आयोजित की गई थी वो क्यों की गई थी, किसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो उन्होंने अंग्रेजों ने अनवांटेड गिरफ्तार कर लिया गया था उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। आ गया हु प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917, तो ये थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, आप इसे अच्छे से जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट। आ गया थर्ड राउंड टेबल वाज हेल्ड बिटवीन, ये कब हुई थी, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। नेक्स्ट है
हु वॉज अपॉइंटेड एज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग, ये थे जॉर्ज अरुण डेल। ठीक है, आ गया, इन विच ईयर बाल गंगाधर तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर रिसीविंग सेंटेंस ऑफ 6 ईयर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को किस साल जेल से छोड़ दिया गया था, तो वो थे 1914। ठीक है, आ गया, हु वॉज द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन 1929 आयन से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1929 लाहौर सेशन में जो मीटिंग हुई थी उनमें अध्यक्ष कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आ गया, द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये था कराची 1931। आ गया, इन विच द फॉलोइंग रीजन्स वाज बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग वाज नॉट सेटअप, ये था बॉम्बे सिटी में इनके जो होम रूल लीग सेटअप नहीं हुई थी। ठीक है, आगे द सेकेंड राउंड टेबल वाज हेल्ड बिटवीन, ये था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी वो थी नवंबर 1930 से दिसंबर, वो 1930 में, सेकंड 1931 में, और जो थर्ड थी वो 1932 में हुई थी। ठीक है, तीनों कहाँ हुई थी, लंदन में, तीनों को अटेंड किस भारतीय ने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में, और तीनों में से महात्मा गांधी जी ने किस में अटेंड हुए थे, वो उन्होंने की थी सेकेंड राउंड टेबल। ठीक है, ये ऐसे इसी में से 10-12 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। आगे, द पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ वर स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। ठीक है, हु स्टार्टेड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये थे दादा भाई नरोजी एंड सुभेंद्र नाथ बनर्जी। आ गया, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, देखो भारत की प्रथम राष्ट्रपति वो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये देखो बाकी क्वेश्चंस को तो ऐसे जाने दिए, लेकिन इस वाले को हाईलाइट किया हुआ, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जहाँ भी आ जाए ना, फर्स्ट वाले को तो आप छोड़ो ही ना। ठीक है, वो चाहे पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ठीक है, जिसको हम सिंपली इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, ये उनका फुल नेम है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ठीक है, और ये भारत की प्रथम और सिर्फ एक ही महिला थी जो प्राइम मिनिस्टर थी। आ गया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर कॉन्फ्रेंस, ये देखो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि 1929 में जो लाहौर में आईएनसी की 1900 सभा हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, या अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये थे बाल गंगाधर तिलक। आ गया, वेन डिड एनी बेसेंट केम टू इंडिया, ये भारत में कब आई, 1893 में। हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन, ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और आईएएस में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये थी, यानी देखो फर्स्ट वुमेन गवर्नर इंडिया की कौन बनी, सरोजनी नायडू। ठीक है, हु गेव द कॉल फॉर पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आ गया, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये थी अगस्त क्रांति, क्योंकि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो भी अगस्त महीने में होता, तो इसलिए उसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडियन सेचुरेटरी कमीशन टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन। ठीक है, आ गया, द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू इंडियन एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री वाज लेड डाउन इन द, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जो सारी पावरें थी वो भारत को, और जो पार्टीशन देश हुए थे, पार्टीशन उस टाइम एक तरह से हम तो जानते हैं कि दो देशों की थी, लेकिन दो नहीं, वो एक तरह तीन की देशों की हुई थी, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में इंडिया। जो पूर्वी पाकिस्तान है फिर वो फिर बाद में
1972 में बांग्लादेश बन गया था, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसफर किसने की थी, ये माउंट बैटन के प्लान में हुई थी, और ये माउंट बैटन ही वो मैन था जिसने इंडिया के डिवीजन में काफ़ी योगदान दिया था, ठीक है। आगे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल अंडर, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ था, ठीक है। विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविनेंस, ऐसा वो कौन सा संविधान था जिस जो पावर्स को डिवाइड करता था, यानी कि सेंटर की और प्रोविनेंस की। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये प्रोविनेंस क्या होता था कि भारत की आज़ादी से पहले ना, जैसे अभी तो स्टेट्स हैं, उस टाइम जैसे राजा महाराजाओं का वो टाइम होता था, उनकी अपनी स्टेट्स होती थी, पूरे का पूरा राज्य, वो एक ही राजा होता था पूरे का पूरा, ठीक है। उसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, तो उनका अपना एक प्रोविनेंस होता है क्षेत्र, वो अपना एक क्षेत्र होता था, ठीक है। और जो कब होता था 1935 में। अगर विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये था आर्टिकल 17। आगे कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनेशन स्टेटस वाज प्रपोजल इन, तो इंडिया को एक डोमिनेट स्टेटस दिया जाए, ये प्रपोजल किस में आया था, क्रिप्स मिशन में। और क्रिप्स मिशन कब आया था, अगर आपको याद हो 1942 में स्टैंडर्ड क्रिप्स आया था, जो एक क्रिप्स मिशन लेके आया था, और क्रिप्स ने क्या बोला था इंडिया को कि हम आपको एक तो आज़ादी देंगे, आप अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, और इसी के साथ आपको इंडियन डोमिनेट स्टेटस भी दे देंगे। लेकिन इस मिशन में एक कमी थी, वो कमी ये थी कि इंडिया को स्टेटस तो दे देंगे लेकिन पावरें कोई नहीं देंगे। पावरों का मतलब है कि जो भी कुछ डिसीजन लेंगे वो अंग्रेज ही लेंगे, वो उसमें भारतीय कोई नहीं होगा, तो इसलिए भारतीयों ने इस मिशन को मानने से इनकार कर दिया था। आ गया इंडियन नेशनल आर्मी वाज फर्स्ट कन्विंस्ड बाय, तो सबसे पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया तो वो किसने बनाया, मोहन सिंह ने। आ गया फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष बोस इन ईयर जुलाई 1943। आ गया कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन ईयर, तो कैबिनेट मिशन है वो कब अनाउंस घोषित किया गया, फरवरी 1946 को, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री का टॉपिक लेकर हम फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।